ये लीजिए शकील, दवा ले लीजिए। मुझे नहीं खाने को दो। क्या हो गया आप? भला दवा से क्या नाराजगी? मुझे दवा से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे अपनी जात से नाराजगी। मैं मजीद जिंदा रहना नहीं चाहती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोचता था अल्लाह ने बेटियां दी हैं, बेटा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यही बेटियां मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत हैं। लेकिन क्या किया इन बेटियों ने, मेरी सारी उम्मीदें सारी आरजुएं सब पे पानी फेंक दिया। क्या करूंगा मैं जिंदा रह के? उनके रवैये ने मुझे मेरी नजरों में गिरा के रख दिया है, मैं मजीद जीना नहीं चाहता हूं। शकील पाप है, फिर औलाद अच्छी हो या बुरी, और वो भी बेटियां, तो उनके दफनाने तक तो माँ बाप उनकी जिंदगी की दुआ मांगते हैं ना। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके औलाद लंबी जिंदगी पाए और वो अपने माँ बाप को दफनाए, और यहां तुम कह रही हो कि हमें उनको दफनाने तक जिंदा रहना चाहिए। क्या कर, माँ हूं मैं, माँ होने के बावजूद भी मैं उनके मरने की दुआएं मांग रही हूं, सिर्फ इसलिए कि आपकी इज्जत रह जाए और आप खुद को तकलीफ ना दे। ये सोच सोच के मेरा तो कलेजा फटता है कि मेरी बेटियों ने ये क्या किया। आप प्लीज खुदा के लिए अपनी मौत की दुआएं मत मांगे, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करें कि वो हमें इस आजमाइश से निकाल दे। क्यों निकालेगा वो हमें इस आजमाइश से? ये आजमाइश हमारी करनियों का नतीजा है। हमने उन बच्चियों को इतनी छूट दी, हमने उन्हें अपने सर पे बिठाया, इतना मान दिया, और ये सारा मान वो डिजर्व नहीं करती थी। मैं तो कहता हूं वो माँ बाप ज्यादा बेहतर होते हैं जो अपने औलाद को शेर की निगाह से देखते हैं, उन पे शक करते हैं, उन्हें किसी से बात करने की भी इजाजत नहीं देते। मैं समझता था कि शायद ऐसे माँ बाप अपनी औलाद पे जुल्म करते हैं, गलत था मैं। ऐसी औलाद अपने माँ बाप पे जुल्म करती है जैसी हमारी औलाद है। काश मुझे पहले इस बात का इल्म हो जाता तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। खुदा के वास्ते जकील, ऐसी बातें मत करें। अब ये जो भी अजाब आए ना, ये हमें बर्दाश्त करना, सहना है, खुद को मजबूत रखना है। अगर आपने ऐसी बातें की ना तो मैं कसम खा रही हूँ मैं खुदकुशी कर लूंगी, मर जाऊंगी मैं। जिंदगी तो हराम हो चुकी है, अब मौत भी हराम करना चाहती हो? और क्या करूं मैं? मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। आप मेरी जगह खुद को रखकर सोचिए। जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटियों ने ये क्या किया तो मेरा कलेजा कट जाता है, और आप जो मेरे जीने का वाहिद सहारा है वो ही मरने की बातें कर रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी? खुदा के लिए दवा खा लीजिए। ये लीजिए। रोना बंद करो, मैं जी लूंगा, जो कुछ भी मुझ पर गुजरेगी मैं सब सह लूंगा। कुमैल से शादी मेरी मजबूरी थी, जब तक माँ बाप जिंदा रहे, मगर उनके बाद मुझे ही कुमैल और बच्ची की देखभाल करनी पड़ी। बहुत बुरा किया आलियान तुमने मेरे साथ, बहुत बुरा। मेरी मोहब्बत मेरी वफाएं थी सिर्फ तेरे लिए।
तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी आज। मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ ताहिर यार, एक इमरजेंसी है, फौरन करना होगा काम। जी सर, हाजिर हो जाऊँ? नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है, तुम तलाकनामा तैयार करो। ठीक है सर, बाय। ये लो बेटा, ये जूस तुम्हारे पापा तुम्हारी पसंद का लाए थे, ये पियो और उसके बाद फिर अपना होमवर्क कर लेना। होमवर्क तो मैंने कर लिया बीबी जान। अरे वाह शाबाश भाई, मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी है। वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो स्कूल से आते ही अपना होमवर्क कर लेते हैं, फिर पता है फ्री हो जाते हैं, फिर खेलें कूदें कार्टून देखें कुछ भी करें, कोई मसला ही नहीं होता। जी मुझे पापा ने एक बार समझाया था कि स्कूल के आने के बाद अपना होमवर्क कर लिया करो, तो अब से रोजाना मैं स्कूल के आने के बाद अपना होमवर्क करती हूँ। तुम्हें याद है तुम्हारी मम्मा का बर्थडे आने वाला है? याद है बीबी जान, रात को मैं उसी बारे में सोची थी। मामा होती थी तो हम उनका बर्थडे कितनी धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे ना, कितना मजा आता था। तो बेटा हम अब भी तुम्हारी मम्मा का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। बीबी जान आपको याद है मामा की एक फ्रेंड थी राना आंटी, हम उन्हें भी बर्थडे पे बुलाएं? बेटा उन्हें कैसे बुला सकते हैं, वो तो लंदन चली गई हैं अब। तो फिर हम उन्हें कैसे बुलाएंगे? तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो भाई हम तो हैं ना, तुम्हारे पापा हैं और फिर सोनी आंटी हैं, तुम उनको बुला लेना। हाँ उन्हें तो मैं जरूर बुलाऊंगी, अभी कॉल करूँ उन्हें? अभी क्या करूँगी कॉल करके, अभी पूरा एक हफ्ता पड़ा है, एक दो दिन पहले कर लेना। बेटा ये तो जल्दी से खत्म कर लो, फिर मैं जाके तुम्हारे कपड़े निकाल दूंगी, तुम नहा के कपड़े चेंज कर लेना, हो सकता है तुम्हारे पापा आज तुम्हें कहीं बाहर लेके जाए। नहीं बीबी जान, पापा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो कह रहे थे आज ऑफिस से लेट घर आऊंगा। चलो कोई बात नहीं, फिर हम ऐसा करेंगे हम दोनों पार्क चलेंगे, वहाँ जाके वॉक करेंगे। यस मजा आएगा, और बीबी जान हम आइसक्रीम भी खाएंगे। हाँ हाँ भाई खा लेना आइसक्रीम भी, ये तो खत्म कर लो। ठीक है। अगर आलिया ने वाकई तुम्हें तलाक दे दी तो? मैंने कौन सा मजाक में तलाक मांगी है पप्पू? बेटा ये ऐसा मामला नहीं होता कि जल्दी में या गुस्से में तय किया जाए, और शायद तुम्हें पता नहीं तलाक ना गुस्से में दी जाती है और ना होती है। मैं गुस्से में नहीं हूं पप्पू, मैंने इन चंद दिनों में अपनी जिंदगी पर नजर डाली है, बेपनाह मोहब्बत की मैंने आलिया से, और उसने इन मोहब्बत मेरे एतमाद को चकनाचूर कर दिया। एतबार और एतमाद के बगैर मोहब्बत क्या चीज होती है, वो कुछ भी नहीं। और मैं जब उसके साथ थी तो मैं ये नहीं सोचती थी कि वो मुझे किस तरह रख रहा है, कभी अपने घर कभी अपने माँ के घर, बल्कि मैं ये सोचती थी कि वो मेरे साथ क्यों नहीं है। उसने हमेशा मुझे ये कह के टाल दिया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। कौन सा मुस्तकबिल?
पर उसने मेरी बहन के साथ ये सब कुछ होने के बाद मैं उसके साथ रहने का सोच भी कैसे सकती। देखो बेटा, जब तक आलिया ने हमें कुछ नहीं बताया था हम सब परेशान थे, लेकिन अब जब उसने सच्चाई बता दी है और जब तक तुम उसकी बात की तस्दीक ना कर लो तुम्हें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मुझे कोई तस्दीक नहीं करनी पापा, मुझे पता है उसने जितने झूठ बोले, अब मैं इसकी इस बात पे यकीन कैसे कर सकती हूँ। मैंने जो खुद देखा है मैं उस पर यकीन करूंगी। वो सिर्फ झूठ बोल रहा है अभी भी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी शादी हुई भी हो, उसका बच्चा हो और इतने वक्त में मुझे कभी शक भी ना हुआ हो। नहीं हो सकता, ये भी एक झूठ है, फरेब है उसका। बेटा फरेब नहीं है ये, आलिया ने बताया है कि उसकी बेटी है। बीवी नहीं रही तो क्या हुआ, बेटी तो है ना। बेटा मैं तो तुम्हें कहूंगी कि तुम उससे जाकर मिलो, पूछो, शायद कोई सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाए। पर कोई तो रिश्तेदार होगा ना जिसने आलियान की बच्ची को रखा होगा। जब तक आलियान की बताई हुई बात का तुम पता ना लगा लो तुम्हें तलाक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे कुछ मालूम नहीं करना प्रभु, मुझे अब उसके साथ नहीं रहना। फिजा तुम जज्बाती हो रही, ऐसा ना हो कि कोई गलत फैसला ले लो जो बाद में तुम्हारी जिंदगी का रोग बन जाए और तुम्हें पछतावा रहे। मुझे नहीं होगा पछतावा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यही फैसला ठीक है। मैंने आलियान से बेपनाह मोहब्बत की है और उससे बिछड़ने का दुख जितना मुझे समझ भी नहीं सकता। लेकिन मैं खुद को भी जानती हूँ जो कुछ हो गया उसके बाद मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं किसी के दबाव या इमोशनल ब्लैकमेलिंग से अपना फैसला नहीं बदलूंगी। कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊंगी लेकिन आलियान के पास वापस नहीं जाऊंगी। लग गई आग, और ये आग किसी और ने नहीं मेरी बहन ने लगाई जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, चाहती थी जिसे। और तुमने भी तो कहा था ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते, झूठ कहते थे ना आलिया, झूठ। तुम दोनों ने धोखा दिया है मुझे, बहुत बड़ा धोखा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। अम्मा प्लीज प्लीज आप तो मेरी बात की यकीन करें, आप तो मुझसे नाराज ना हो, एक दफा चल के मोना से मिल तो ले। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही अम्मा। सोमे सबको सब अकल है, सबको सब कुछ साफ नजर आ रहा है,
वहां कभी कभी इंसान ना आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते। मैं झूठ नहीं बोल रही अम्मा, मुझे तो खुद लगा था कि आलियान इस्लामाबाद में है, लेकिन उस दिन मैं ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में आलियान की गाड़ी देखी, तो मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया। मुझे नहीं पता था, मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसमें उनकी अपनी बीवी कुमैल थी, उसकी डेथ हो गई। फिर मुझे आलियान ने सब कुछ बताया, आलियान का राज मेरे सामने खुल गया था। आलियान ने बताया कि वो फिजा से ही मोहब्बत करती है, और माँ आप तो ये जानती है ना कि वो फिजा से कितनी मोहब्बत करती। उन्होंने अपनी बेगम कुमैल को बताया फिजा के बारे में, और कुमैल ने शादी की इजाजत दी थी। माँ आप मेरे साथ चले ना, एक दफा मोना से मिले, आपको खुद सब कुछ सच समझ आ जाएगा। सुमी मुझे कहीं नहीं जाना है और ना ही मुझे किसी से मिलना है। ये बातें जो तुम आज बता रही हो ना, अगर पहले बता देती तो शायद तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेती मैं, कि तुमने तो कुछ नहीं बताया। अगर तुम कुछ कहती तो हम आलियान से बात करते, फिर वो जो चाहता सोच समझ के फैसला करता। मम्मी मैं पापा के घर जाना चाहती हूँ, मेरी यहाँ तबीयत खराब हो रही है, जिस घर में ये है मैं उस घर में नहीं रह सकती, मैं खुद को कुछ कर दूंगी या कुछ गलत हो जाएगा मुझसे। फिजा तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, एक दफा मोना से चल के मिल तो लो, आलियान से बात। आलियान का नाम मतलब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुमसे है। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला खुदा पर छोड़ दिया है, वो ही मेरा बदला लेगा। ऐसा ही हो, अगर किसी ने झूठ बोला होगा तो खुदा उसे सजा जरूर देंगे, पर मैंने झूठ नहीं बोला। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, तुम तो एक दफा चल के मोना से मिलो, तुम्हें सब सच सच पता चल जाएगा। तुमने जो मेरे साथ किया ना सो, तुम जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि अब हमारी जिंदगी कभी वैसी नहीं हो सकती जैसे पहले थी, सब कुछ बदल गया। हमारी इस एक हरकत ने हम सबकी जिंदगी को आग लगा दी है। मैं कभी भी फिजा की जगह नहीं ले सकी, मेरे हिस्से में जो मोहब्बत थी वो मुझे मिली। मेरे जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब अपनी अपनी जिंदगी जी। बस मुझे सिर्फ हमारी बेटी की फिक्र है। मैंने आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं मांगी, बस एक वादा करी, आप हमारी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसे कभी एहसास मत होने देना कि उसका बाप बड़ा हो, ख्याल रखना। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझो, अगर हमारी बेटी खुश न हुई तो मुझे मर के भी चैन नहीं मिलेगा। माना यही था हम दर्द मेरा, कोई भी तुझसा नहीं, मेरी तड़प का एहसास, लेकिन जरा भी
कोई तुझको नहीं। एक बार करके देखा भरोसा, धोखा ही खाया यहाँ। फिर से दोबारा हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं। किसको सुना खालो बेटा खाना। आप नहीं खाएंगे? मैंने मोना के साथ खा लिया था। मेरा दिल नहीं चाह रहा है बीबी जान। आलियान मुझे ये बताओ, भूखा रहने से क्या मसले हल हो जाते हैं? थोड़ा सा तो खा लो। कोई बात हुई फिजा से? अपनी जिद पे अड़ी हुई है, तलाक चाहिए उसे। मैंने वकील से कह दिया पेपर तैयार कर ले, लेकिन सच कहूं बीवी जान तो मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं जानता हूं फिजा जज्बात में आके गलत फैसला कर रही है। कल को जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा, और ये मैं नहीं चाहता। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे सच्चाई पता चल जाती तो क्या वो लौट कर तुम्हारे पास आ जाती और मुन्ना को वो प्यार देती जिसकी वो हकदार है? इसी बात की तो फिक्र है मुझे। मुझे इस बात का गम नहीं है कि उसे मुझ पर गुस्सा है या वो मुझसे नाराज है। जो उसने देखा, जो सुना, मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मोना को अपना ले, क्योंकि मोना के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, मोना तुम्हारी जिम्मेदारी है और अब उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मेरा क्या है, मैं आज हूं कल नहीं हूं। सोनी का क्या हाल है? उसकी वजह से भी मैं बहुत परेशान। एक वही तो थी जो हर कदम पे मेरे साथ थी। मुझे हौसला दिया उसने, मोना को प्यार दिया, और आज वो मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से अजाब झेल रही है, बदनाम हो रही है, दुखी है। एक बात कहूं तुमसे? जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि काश तुम्हारी बीवी फिजा नहीं सोमी होती।
खाना खा लो। भूख नहीं अम्मा। भूखा रह के क्या शो करना चाहती हो? दबाव डालना चाहती हो हम लोगों पर? नहीं अम्मा, मुझे एक्चुअली पता चल गया है कि आप लोगों की नजरों में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है कि मैं कुछ सोच सकूं, कह सकूं या कुछ भी बोल सकूं। So that's all right. तुमने खुद अपने बारे में सोचा था? नहीं ना, जब इंसान अपने बारे में नहीं सोचता ना, तो कोई दूसरा भी उसके बारे में नहीं सोचता। अब आ जाओ जल्दी। आप भी मेरा साथ नहीं देंगी? आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? आपको भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं सच बोल रही हूँ? कम से कम आप ही मेरा साथ देते। तुमने ऐसी बात की है कि तुम्हारा साथ दिया जाए? वो सच ही बोले, और सच का साथ तो देना ही चाहिए सबको। सच और झूठ की पहचान है, लहजे पहचानती हूँ। जो सच बोल रहा होता है उसकी आंखें गवाही दे रही होती। तुम्हारी झुकी हुई आंखों ने कभी गवाही नहीं दी। वो मैंने शुरू में झूठ बोला था, लेकिन वो मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि बाकी सब हर्ट ना हो। लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल अब सच बोल रही हूँ, उसमें कुछ झूठ नहीं है। लेकिन अब तो मेरा यकीन कर लें। और जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा ही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है।
कल मामा का बर्थडे है, आपको याद है ना? हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। और हाँ, हम सोमी आंटी को भी बुलाएंगे, वो आएंगी ना? हाँ बेटा आएंगी, जरूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। लेकिन पापा इतने दिन हो गए, अब तो वो आती ही नहीं है, वरना वो तो रोज मुझे स्कूल भी ड्रॉप करती थी ना। बेटा आजकल वो थोड़ा बिजी है, काम ज्यादा है, इसलिए जैसे फ्री होंगी आ जाए। वैसे आज आपका टेस्ट है ना? जी पापा। मुझे फुल मार्क्स चाहिए। जी पापा जरूर आएंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज पापा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। मामा इसे क्या हुआ? कल रात से बुखार है, मैंने तो कहा था आराम कर लो लेकिन मेरे साथ आ गई। तुम ऐसा करो कि इसे ऊपर लेकर जाओ, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। जी मामा। क्या हो गया तुम्हें फिजा? इतना स्ट्रेस ले लिया तुमने, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये। इतना गम इंसान को बीमार कर देता है, ये सब ठीक नहीं होता। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना फैसला बदल लो। नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ज्यादा मत सोचो, चलो अभी मैं ऊपर तक छोड़ के आता हूँ। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। कुछ हुआ तो नहीं? नहीं कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोलो, जो हुआ है सच सच बताओ, क्या हुआ? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ प्लीज मेरी एक बात माने, आप फिजा को घर ले जाएं। उसे घर ले आओ और मोना को अकेला छोड़ो, फिर से उसी अजाब से गुजरो जैसे पिछले 8 साल से गुजरा। मैंने कब कहा है कि मोना को अकेला छोड़ दें? आप
आप फिजा को घर तो लेके जाएं एक दफा, मोना को फिजा से मिलवाएं, कुमेल की पिक्चर्स दिखवाएं, बीबी जान से मिलवाएं। आई एम श्योर फिजा अंडरस्टैंड कर लेगी, यकीन कर लेगी आपकी बात का। मुझे किसी को यकीन नहीं दिलाना। इतने बरस मोहब्बत करने के बाद, उस मोहब्बत की खातिर इतने अजाब झेलने के बाद, अगर अब भी यकीन दिलाने के लिए सबूत देना पड़े तो नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत मुझे। तो मुझे भी लगने लगा फिजा ने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, मैं ही करता रहा। बहरहाल मोना तुम्हें याद कर रही थी। हाँ, कल कुमैल का बर्थडे है, मोना चाह रही थी कि तुम भी हमारे साथ सेलिब्रेट करो। आओगी? जी आऊंगी। ओके, अपना ख्याल रखो। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।